महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का क्या होगा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। फैसला आने से पहले शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने इस पर बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा, फैसला होगा कि ये देश संविधान से चलता है कि नहीं, देश में लोकतंत्र जीवित है कि नहीं, ये भी फैसला होगा कि हमारी न्याय व्यवस्था किसी के दबाव में काम कर रही है या नहीं। ये देश संविधान से चलता है और जो देश संविधान से नहीं चलता तो आप पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। हम चाहते हैं कि ये देश संविधान से चले, हमारी न्याय व्यवस्था स्वतंत्र रहे। महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष के मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुरक्षित फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले में जानकारी दी। ऐसे में कई दिनों से जिस रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है उसके लिए महज कुछ ही घंटे बचे हैं। इस पर ठाकरे गुट के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। संजय राउत ने कहा, विधायक अयोग्य होंगे, सरकार आएगी, सरकार जाएगी, राजनीति में ये चीजें होती हैं, लेकिन इस देश का भविष्य कल तय होगा। पाकिस्तान में आज आप संविधान को जलता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश दुश्मन देश होते हुए भी जल रहा है, क्योंकि ये संविधान के अनुसार काम नहीं करता था। विरोधियों के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, सरकारें गिराई जाती हैं, सरकारें लाई जाती हैं, इस देश में ये तस्वीर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी अहम है। आज देश भर की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। ऐसे में सीएम एकनाथ शिंदे के लिए भी आज का दिन काफी अहम होने वाला है, क्योंकि अगर 16 विधायकों की सदस्यता रद्द होती है तो शिंदे की सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।